नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में अभी तक कुल 36 मैच खेले जा चुके हैं। सभी टीमें 9-9 मैच खेल चुकी हैं और सबके खाते में अब 5-5 मैच और बचे हैं। पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स 14 पॉइंट के साथ टॉप पर है, जबकि मुंबई इंडियंस के खाते में 12 पॉइंट्स हैं और टीम दूसरे पायदान पर है। दो सुपर ओवर तक खींचे मैच में मुंबई को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। इस मैच के दौरान युवराज सिंह ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे आरसीबी के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को मिर्ची लग गई है। दरअसल यूवी ने इस मैच के दौरान आईपीएल के प्लेऑफ और फाइनल मैच को लेकर अपना प्रेडिक्शन बताया। यूवी ने ट्विटर पर लिखा, ऐसा लग रहा है कि निकोलस पूरन इस मैच में गेम चेंजर साबित होंगे। बैट में शानदार फ्लो, देखने में मजा आ रहा है, मुझे खुद की याद दिला रहे हैं वो। मैच जारी है, मेरा प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी और फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। भैया हम इंडिया आ जाएं वापस? इस पर यूवी ने जवाब दिया, अभी थोड़े और छक्के खा ले और विकेट लेके आना। इस पर चहल ने जवाब में लिखा, ओके भैया 10 नवंबर तक विकेट खा लेता हूँ, छक्के खा लेता हूँ। इस पर यूवी ने फिर से चहल को ट्रोल किया, बिल्कुल फाइनल जरूर देख कर आना। युवराज सिंह और चहल का ये मजेदार पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 36वें मैच में फैंस को आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मैच देखने को मिला। इस मैच में फैंस को न सिर्फ दो टीमों के बीच जंग देखने को मिली, बल्कि इस मैच में ऐसा कुछ हुआ जो आईपीएल के 13 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग में खेले गए दोनों मुकाबलों का फैसला सुपर ओवर के जरिए हुआ। आईपीएल के 13 सालों में खेले गए अब तक के मैचों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में खेले गए दोनों मैचों का फैसला सुपर ओवर के जरिए हुआ हो। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 13 साल के इतिहास में सुपर संडे पहली बार सच में फंडे साबित हुआ। दरअसल रविवार को आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। पहले कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला टाई रहा, जिसके बाद दिन का पहला सुपर ओवर खेला गया। इसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस का मुकाबला भी टाई रहा। दिलचस्प बात ये रही कि मुंबई और पंजाब के बीच मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर खेला गया तो वो भी टाई रहा। इसके बाद नए नियमों के मुताबिक मैच का रिजल्ट निकालने के लिए दूसरा सुपर ओवर खेला गया, जिसमें पंजाब को जीत मिली। इस तरह आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।